बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज संडे है, संडे में आप सभी लोग घरों में समय बिता रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर हमारे एंजॉय में हमारी पढ़ाई ना शामिल हो, अगर हमारे एंजॉय में हमारी केमिस्ट्री ना शामिल हो, तो हमारा एंजॉय कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसीलिए हम आपके साथ आ गए हैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो संडे का एंजॉय करिए, लेकिन केमिस्ट्री की पढ़ाई के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ। तो आप सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी संडे। और इस संडे में हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, एंजॉय में केमिस्ट्री को शामिल कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सोने में सुहागा। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार और खूबसूरत टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन बच्चों कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो आइए बिना किसी देर के प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका हरिओम क्लासेस चैनल पर। तो बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ऑक्सीडेशन नंबर आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज। जी हाँ, जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, वही चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर माने चार्ज। इसका मतलब है बच्चों, जो किसी कंपाउंड पे चार्ज होता है, जैसे किसी कंपाउंड पे कह लो, एटम पे कह लो, कहीं भी कह लो, जो किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या एलिमेंट पर जो चार्ज होता है, उसी को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए होंगे आप लोग। जैसे मैं उदाहरण ले लूँ यहाँ पर, जैसे मैं कह दूँ बच्चों, सोडियम के ऊपर हम एक प्लस चार्ज लगाते हैं, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई बच्चों, प्लस वन। हम लोग एल्युमिनियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज लगाते हैं, थ्री प्लस चार्ज, प्लस थ्री चार्ज लगाते हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम कितनी हो गई, प्लस थ्री हो गई। हम लोग कैल्शियम पर प्लस टू चार्ज लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, प्लस टू। जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, बस बात खत्म। अगर हम क्लोरीन ले लें तो एक माइनस चार्ज लगाते हैं, मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, माइनस वन हो गई। तो ये सब आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आइए मैं आगे चलता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर कोई बड़ी पहाड़ चीज़ नहीं, अलग से आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और एक होता है बेटा रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन। बच्चों जिसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिडक्टेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। तो ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। रेडॉक्स रिएक्शन एक हमारा टॉपिक है। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलके बना है, एक रेड और दूसरा ऑक्स। रेड फॉर होता है रिडक्शन, ऑक्स फॉर होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब आइए हम रिडक्शन देखते हैं और ऑक्सीडेशन देखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। याद रखेंगे, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एच, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना
या हाइड्रोजन का अलग होना निकलना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। या बच्चों हम एक चीज़ और यूज करते हैं यहाँ पर, या इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ओ एन मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। याद हो गई बात? मैं फिर से दोहरा दूं, फिर से, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब आ जाइए रिडक्शन में। व्हाट इज रिडक्शन? इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और बच्चों यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ क्या कर लें? डिक्रीज माने घटना और इंक्रीज माने बढ़ना। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखिए बड़ा ही मज़ेदार लॉजिकल टॉपिक है बच्चों। कोई पूछे रिडक्शन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, तो कहोगे सर जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, और या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, या डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो बेसिकली एक लाइन आप याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिडक्शन। याद हो गया सबको? याद हो गया। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो लिख लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे कर लो, लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाते हैं? चलो मिटाते हैं। नन्हा मुन्ना रही है तू देश का सिपाही है। चलो बच्चों हो गया, आओ अब एक हेडिंग यहाँ डालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को समझना है। बड़ा मज़ेदार यही क्वेश्चन आपका आता है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर पहला तो मैं आपको लिखता हूँ इन फ्री स्टेट। फ्री हो, मुक्त हो, किसी के साथ बाइंड वाइंड ना हो, तो वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, चाहे तो वो एटम हो चाहे तो वो एलिमेंट हो, वहाँ पर या तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो फ्री स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बच्चों? जीरो। तो इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर, ओ एन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज जीरो। मुक्त अवस्था में, कौन सी बच्चों? मुक्त अवस्था में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या तो जीरो ही होगी या नहीं होगी। सुनिएगा ध्यान से, फ्री स्टेट में, फ्री मतलब जब कोई मॉलिक्यूल हो या कोई एटम हो किसी के साथ बॉन्डिंग में ना हो, किसी के साथ बॉन्ड ना बनाए हो, किसी के साथ दोस्ती ना किए हो, उस समय जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बच्चों वो जीरो होगी। कब? फ्री स्टेट में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल को मैं EX लिख रहा हूँ, EX मतलब एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हम कहते हैं H2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जीरो।
N2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जीरो, फ्री स्टेट में है। P4 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जीरो। ETC बहुत सारे मेंबर हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री स्टेट में किसी भी मॉलिक्यूल या एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। अच्छा, इन फ्री स्टेट हो गया, अब लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे हम लोग इन कंबाइंड स्टेट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको समझना पड़ेगा। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों कंबाइंड स्टेट में अगर ऑक्सीडेशन नंबर को हम देखें तो हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की। वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एच, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। कितनी होती है? +1, क्योंकि हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बट इन केस ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब क्या? जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्राइड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्राइड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। कब? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, धातु के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती है? -1। और हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ भी रखा जा सकता है और हैलोजन के साथ भी रखा जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन एक लोफर एलिमेंट है बच्चों। कैसा लोफर? कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं, कोई फिक्स नहीं है इसका, कहाँ रहेगा कहाँ जाएगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज लोफर। ना तो पता है इसका कि एल्कली मेटल्स में रहेगा, ना तो पता है इसका हैलोजन के साथ रहेगा। दैट्स वाई हाइड्रोजन कैन शो बोथ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन +1 and -1। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अब हम देखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया, अब हम दूसरे पॉइंट पे देखेंगे एल्कली मेटल्स की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, बिटवा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या राजी कह लो, या बाप जब बिटवा कार स्कूटर मांगेगा तो बाप राजी कैसे होगा भाई? बाप तो रोएगा ही ना, ये कैसी औलाद दिया भगवान ने मुझे, ये खाना तो मांगता ही है, कपड़े तो मांगता, कार स्कूटर भी मांग, अब मैं कहाँ पाऊँ कार स्कूटर। इसीलिए बच्चों को कभी पेरेंट्स से माता पिता से जिद नहीं करनी चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाएं, खूब अच्छे से रखें, ऐसो आराम में रखें, लेकिन मजबूरियां होती हैं माँ बाप के पास जो वो असमर्थ होते हैं। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी अपने माँ बाप से जिद मत करना। जो माँ बाप कह दें उसी चीज़ को ले लेना और उसी चीज में खुश रहना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, सरस्वती माँ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगी। क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप के दिए हुए चीज को प्रसाद समझ करके अपना काम कर रहे हो और उसी में खुश हो। तो बेटा एक फार्मूला यहां देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, क्षार धातुओं का ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने क्या कहा था याद करिए, बेटवा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटवा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये तो नहीं मैं उसका बता रहा हूँ, ये सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, एक होता है एल्कली मेटल्स और एक होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। दो होते हैं अर्थ मेटल्स, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ये दोनों यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन एल्केलाइन मेटल्स और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
तो जब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है सदैव कितनी होती है प्लस टू होती है ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल में। और बच्चों एल्कली मेटल्स में होती है इसका फॉर्मूला बताइए याद है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। बोलो बच्चों हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। जब दो लोगों में झगड़ा हो जाता है ना तो कहते हैं यही सारी बोलते हैं हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे तो मैंने अलग कर दिया यच हमारे अलग हो गया अब बचा कौन लिए ना करो रब से फरियाद। तो लिए ना करो रब से फरियाद ये सब क्या कहलाएंगे एल्कली मेटल्स वो मैं पीछे बता चुका हूँ पीछे क्लासेस में आपको। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा बच्चों +1। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एल्कली मेटल्स होंगे सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। नोट करिए जल्दी से फिर मैं आगे चलूँ सभी लोग नोट कर लें बच्चों नोट कर लें। अब आइए अब मैं जरा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट की बात करूंगा मिटा दें चलो सभी लोग बढ़िया सा मन लगा कर अच्छे मन से पढ़ते रहें और केमिस्ट्री का नॉलेज घर बैठे बिठाए लेते रहें और हरिओम क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर कर लें लाइक कर लें आप पढ़ें और आपका पूरा परिवार पढ़े ये हरिओम क्लासेस की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट आगे किसका हम पढ़ेंगे ये थोड़ा नोट पॉइंट है बच्चों ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन H2O2। H2O2 को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो चलो चेक करते हैं बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना ले HOOH। अब बताओ यहां पर ये जो ओ सिंगल बॉन्ड ओ आता है ना जहां भी तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज हाइड्रोजन देगा तो इस पर प्लस चार्ज। बच्चों क्या ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है कोई खींच पाएगा ना। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की है। अगर इसने खींचने की कोशिश की तो ये कहेगा खबरदार जितना पावर तुम्हारे पास है उतना पावर मेरे पास है जितने क्षमता जितनी बल तुम्हारे पास है उतनी बल मेरे पास है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश की बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा लफड़ा। इसलिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में जो बांड है इस इलेक्ट्रॉन को कोई खींच नहीं पाता। अब आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। बोलिए आएगा बिल्कुल आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड कितना रहा ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रहा है कितना रहा -1 तो यहाँ बोलेंगे -1। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड -1। अगर हम H2O2 ले लें या H2O2 ले चुके हैं H2O ले ले वाटर तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख दे जरा हम लोग थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों अगर हम कहें आपको क्या कहें कि भैया H2O वाटर मॉलिक्यूल में तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन H2O। तो बच्चों यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे HOH ऑक्सीजन इधरों से खींचेगा -1 इधरों से खींचेगा -1। बोलो भाई ज़्यादा पावरफुल कौन रहेगा ऑक्सीजन रहेगा किससे हाइड्रोजन से इधर से खींचा तो -1 इधर से खींचा तो -1। इस प्रकार से ऑक्सीजन पर कितना -चार्ज 2- और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन H2O
जल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बच्चों, बताओ 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 बताओ, माइनस दो होती है। अब चाहे ऐसे लिखें चाहे माइनस टू लिख दें, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, OF2 में या पूरा हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इन OF2। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2 में क्या करेंगे, देख ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बच्चों, FO स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, और F यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा ऋण विद्युती कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। पूरे 118 एलिमेंट में, पूरे 118 तत्वों में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती बच्चों होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन और उसके बाद होता है नाइट्रोजन। ये है किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर। अब देखो बच्चों, ये फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव किससे, ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर माइनस वन और ऑक्सीजन पर प्लस वन, ये भी खींचेगा तो इस फ्लोरीन पर माइनस वन और ऑक्सीजन पर प्लस वन, मतलब टोटल ऑक्सीजन पर कितने प्लस चार्ज इकट्ठा हो गए, दो। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 कितनी बच्चों, प्लस टू होती है, बोलो होती है, चलो जी हाँ होती है। तो इतना नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और आगे पढ़ाता हूँ, नोट कर लीजिए सब बच्चे। चलिए बच्चों आपने नोट कर लिया, मैं मिटाता हूँ। एक बात और याद रखें, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 इसका नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग पता करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके हैं, एक है बच्चों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है बच्चों स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। और ये क्या बच्चों, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और ये है स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। अब बच्चों जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये कभी कभी गलत हो जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है ये हमारा एकदम सटीक बैठता है। तो आइए मैं आपको दोनों समझाता हूँ। पहले तो मैं ले लेता हूँ आपको मैथमेटिकल, ले लेता हूँ मैथमेटिकल को क्या बोलेंगे, MC, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम जानते हैं H2SO4 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालना है, यस की, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया उसी की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। तो जिसकी निकालना उसे क्या मानेंगे, यक्स, तो मानेंगे सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स। माना ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, यस की, कितनी है बच्चों, यक्स है। बाकी हम एच की तो अभी जान चुके हैं जनरल केस में, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एच कितनी होती है बच्चों, प्लस वन होती है। ऑक्सीजन की जनरल केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती बच्चों, माइनस टू होती है, ये हमको पता है। चलिए मैथमेटिकल में रखते हैं, तो देखो आओ ध्यान दो, सबसे पहले क्या है, एच है, एच की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस वन होती है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वन, और हाइड्रोजन कितना है, दो, तो प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टू, प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, एक्स होती है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक्स, प्लस बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, माइनस टू, यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस टू, और ऑक्सीजन कट हो है चार है, तो माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई फोर। और मैंने क्या कहा, यौगिक में कंपाउंड में जितने भी एटम है सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल अगर करें, जोड़ दें, तो क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस चीज़ को हमेशा, आप अच्छा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दो प्लस दो चार्ज आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस होता है सबको पता है, टू फोर जा एट होता है सबको पता है, जीरो होता है, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस, आठ से दो गया, बताओ 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 बताओ, छः, बोलो भाई, जीरो। अब देखो इस माइनस को उधर ले चलें, गंगा जी के उस पार जाएगा, मतलब बराबर के उस पार जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स,
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर हमने निकाल लिया सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6 आ गई। ये है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है, कब, परऑक्साइड के केस में। अब आइए स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नोट कर लिए इसको, या मैं स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट यहीं बता देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, यस सी स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। आइए, स्ट्रक्चरल में आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, संरचना उसकी याद होनी चाहिए, कैसे बनता है, यस ओ ओ ओ ओ एच एच। अब ये एच आप यहाँ भी लगा सकते हो। अब देखो बच्चों, ये ऐसे बना देगा भाई, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार इसकी संरचना बनेगी। आप लोग इसको सीख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अब बच्चों देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज़्यादा पावरफुल, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, डबल बॉन्ड के द्वारा, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कितने चार्ज आएंगे, -2 आएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर कितना माइनस चार्ज आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर आ जाइए, ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है ही, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो एक खींचेगा तो कितना आएगा, -1 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन इधर से भी खींचेगा तो इधर से भी लेगा तो -1 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पर क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। सल्फर की बात यहाँ से करो, ये ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, खींचेगा इधर से तो इधर से एक खींचा -1, इधर से एक खींचा तो इधरों से -1, और हाइड्रोजन पर क्या आ गया, +1। अब ध्यान दीजिए बच्चों बात, ऊपर वाले ऑक्सीजन ने 2 माइनस खींचा तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस आया, और सल्फर पर कितना, 2 प्लस आएगा, +2 यहाँ से आ गया क्योंकि सल्फर का 2 खींच ले गया। इस ऑक्सीजन ने खींच लिया तो इधर से +1 आ गया, इधर से +1 आ गया। नीचे वाले ऑक्सीजन ने 2 खींच लिया तो इधर से 2 प्लस आ गया, इधर वाले ऑक्सीजन ने 2 खींच लिया तो इस पर कितना आ गया, 2 प्लस। बोले क्लियर है बात, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, बस आप एक बार समझ जाइए इसको। अब देखो बच्चों, 2+2+4, 5+, और कितने हो गए टोटल, 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है बच्चों, ऊपर 2 खींचा, दो दो चार, हाँ हाँ बस बस बस, यहाँ 2 कैसे आएगा भाई, 2 इसने खींचा, 2 नीचे ने खींचा, सही है, 2, 2, 4, इधर 1 खींचा और इधर कितना खींचा, 1 खींचा। तो बच्चों यहाँ 2 प्लस नहीं, 1 प्लस आएगा, मैं कंफ्यूज हो गया। देखो इधर ध्यान दो जरा, यहाँ पर इसने खींचा तो 1 खींचा ना, 2 तो नहीं खींचा ना, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। तो देखो सल्फर के पास टोटल प्लस कितने हो गए, 2+ यहाँ, 2+यहाँ, 4+, 1+यहाँ, 5+, 1+यहाँ, 6+। तो हम लिख सकते हैं सल्फर के पास टोटल कितने प्लस चार्ज आ गए, 6 प्लस चार्ज आ चुके हैं। तो हम सीधे सीधे कितना लिख देते हैं बच्चों, +6, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी हमने +6 निकाला और यहाँ से भी हमने +6 निकाला। ये स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है और ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये वाला कभी गलत नहीं हो सकता, ये वाला हम लोग कन्फ्यूजन बस गलत कर सकते हैं। तो आप फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताऊँगा, नोट करिए फटाक से। आइए बच्चों, नोट कर लिए आप लोग, तो नोट कर लिया है, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चलेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से ब्यूटीफुल से एग्जांपल देखेंगे और मज़ेदार चीज़ को समझेंगे सीखेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, आगे देखते हैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, KMnO4, जिसका नाम आपको पता ही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। और बच्चों अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखो, 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहला मैं एमसी बता देता हूं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। एमएन की निकालना है, KMnO4 में मैगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहां पर हमें निकालने का मतलब, यहां इन द सेंस आपको देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि जिसके नीचे अंडर लाइन लगा है, जिसके नीचे, उसी की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो जिसकी निकालना उसे क्या मानेंगे, एमएन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानेंगे, यक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सपोज़ यहीं पे मान लेता हूँ, यक्स मान लेता हूँ, जिसके नीचे अंडर लाइन लगा उसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जिसकी निकालना उसे क्या मानेंगे, यक्स। अब बच्चों हम जानते हैं K की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है, K की ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 जनरल केस में। चलिए निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा +1 +X
और प्लस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन कितनी होती है माइनस टू, और माइनस टू कितना है फोर है, बराबर क्या होता है जीरो। तो प्लस वन प्लस यक्स प्लस माइनस, माइनस दो चर को आठ, बराबर क्या होता है जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है यक्स माइनस सात, माइनस आठ से प्लस एक गया सात हो गया, यहाँ पर क्या होता है जीरो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बराबर प्लस सेवन। मतलब यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, प्लस सेवन हो गई। KMnO4 में पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती बच्चों, प्लस सेवन होती है। चलिए ये तो मैथमेटिकल था, अब हम देखेंगे SC स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, आप सबको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, MN इधर जो ऑक्सीजन रहता है माइनस चार्ज, इधर जो रहता है डबल बॉन्ड, इधर जो रहता है डबल बॉन्ड, इधर जो रहता है डबल बॉन्ड। बोलिए समझ रहे हैं बात, आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखो बच्चों मैग्नीज में और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन दो बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा डबल माइनस, ये दो बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा डबल माइनस, ये दो बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डबल माइनस चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ा है तो एक खींचेगा तो एक माइनस आएगा। क्लियर है? अब देखो मैग्नीज ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का, तो ये ऑक्सीजन लेके फरार हो गया तो दो प्लस यहाँ से आ गया बेचारे के ऊपर, ये ऑक्सीजन भी इसका दो इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया तो दो प्लस यहाँ से भी आ गया बेचारे के ऊपर, ये ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया तो यहाँ से भी कितना प्लस चार्ज आ गया दो, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था तो एक बॉन्ड लेके फरार हुआ तो यहाँ से कितना प्लस चार्ज आ गया दो, एक प्लस चार्ज आ गया। बोलो भाई सही है? बड़े ही दुख की बात है, मैग्नीज के इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये फालतू लोफर ऑक्सीजन लेके फरार हो गया है, भाग गया लेके। चलो जोड़ते हैं कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के गए, तो देखो बच्चों दो प्लस यहाँ, दो प्लस यहाँ, दो और दो चार, और दो प्लस यहाँ छः, दो 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 चार और दो छः, दो 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 चार और दो छः और एक सात, टोटल सात इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के जा चुके हैं और लेके कौन गया है ऑक्सीजन। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बेचारे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस सात होती है। बात समझ में आई? तो ये है बच्चों स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट और ये है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हमेशा सही हो सकता है लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट करिए फिर मैं अगला एग्जांपल लेके चलता हूँ। बच्चों नोट कर लिए सब लोग, नोट कर लिए, चलिए मिटाता हूँ। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अब बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कुछ चीज़ों को और एक अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, H2S2O8। क्या एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, H2S2O8, और यहाँ हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए चेक करते हैं क्या होगी। पहले तो मैं इसका बताता हूँ आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों आपको H2S2O8 में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, S की। तो यस की चीज निकालना है बच्चों, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे क्या मानेंगे, यक्स। क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, पता है सबको, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बच्चों, माइनस टू होती है। चलो इसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन का एटम है दो, प्लस वन इंटू टू प्लस। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बच्चों, यक्स, और यक्स कितना है दो है तो यक्स इंटू टू। बोलो भाई सही है, बिल्कुल सही है। प्लस एक्स दो है तो एक्स इंटू टू मैंने कर लिया। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, और ऑक्सीजन कितना है एट है तो माइनस टू इंटू एट इज इक्वल टू जीरो।
अब देखो प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, टू एट जा 16 हो जाएगा बराबर जीरो। अब देखो प्लस टू और माइनस टू घट के क्या आ जाएंगे, टू एक्स माइनस 16 से दो गया बच्चों 14 बराबर क्या हो जाएगा जीरो, बिल्कुल हो जाएगा। अब 2x बराबर 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, x बराबर करेंगे प्लस 14 अपॉन 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 7। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही, प्लस 7, जो कि गलत है, ये नहीं आनी चाहिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हमने निकाला और ये रॉन्ग हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, SC स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट में बच्चों अगर आप देखें तो क्या होगा, उस चीज़ को समझना है पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। S O O S O O और इधर H, ये और इधर क्या होगा O और इधर क्या होगा H, दिख रहा है सबको, बिल्कुल सबको समझ आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो सबको दिखने लगेगा। ओ ओ एस ओ और इधर एच, दिख रहा है सबको, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, एक गड़बड़ यहाँ पर और कुछ करना है ना, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 है, कितने दो, तो यहाँ पर दो और जोड़ देंगे हम लोग। बोलिए भाई सही है, ये है स्ट्रक्चर किसका, H2S2O8 का। अब चलो यहाँ पर पता लगाते हैं, बताओ बच्चों सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा ऋण विद्युती कौन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो कितने होंगे -2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर कितने होंगे -2, यहाँ पर बच्चों अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन खींचेगा तो कितना होगा -1। बोलो हाँ जी कि ना जी, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इधरों से खींचेगा तो ये -2 हो जाएगा, इधर से खींचेगा तो कितना हो +1 हो जाएगा। चलो भाई ये बात ख़त्म। यहाँ पर देखो सल्फर और ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल कौन, ऑक्सीजन तो खींचेगा -1, एक बॉन्ड से जुड़ा तो एक खींचेगा। चलो साथ साथ में हम प्लस भी लिखते चलते हैं, या पहले कर लें, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, जितना पावरफुल ये ऑक्सीजन है, जितना पावरफुल ये ऑक्सीजन है उतना ही पावरफुल ये भी है, तो इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन खींचा खाची नहीं होगी। अब यहाँ पर ये बॉन्ड फिक्स रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो इस पर क्या आएगा -, ये वाला खींचेगा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा तो 2- आएंगे, ये खींचेगा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा तो 2- आ जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा तो एक ही खींच पाएगा, एक इधर से खींच लेगा तो 2- और हाइड्रोजन पर प्लस। चलिए अब देखो बच्चों जोड़ते हैं, दो ऑक्सीजन नीचे लेके भाग गया सल्फर का तो 2+ आ जाएगा सल्फर पर, एक इधर लेके चला गया तो +1 आ जाएगा सल्फर पर, दिख रहा है सबको। चलो मैं इकट्ठा करके अलग यही नीचे बड़ा बड़ा लिखता हूँ, अलग कर देता हूँ। देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना, तो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेके गया सल्फर का तो सल्फर पर कितना चार्ज आएगा +2, दो ऑक्सीजन नीचे वाला ऑक्सीजन लेके गया तो सल्फर पर कितना चार्ज आएगा +2, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला ऑक्सीजन लेके गया तो सल्फर पर कितना चार्ज आएगा +1, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का ये ऑक्सीजन लेके गया तो इस पर कितना चार्ज आएगा +1, टोटल करेंगे 2 2 4 5 और 1 6 +6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सल्फर के ऊपर कितना प्लस चार्ज आया +6। चलो यहाँ की बात करते हैं, ऊपर वाला ऑक्सीजन कितने लेके गया 2 2- ऑक्सीजन पर आया, सल्फर पर कितना 2+, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर -, और जो देता है उस पर +, सल्फर दे रहा है इसीलिए प्लस आ रहा है 2+, नीचे वाला भी खींचा तो 2+, इधर वाला खींचा तो +1, इधर वाला खींचा तो +1, टोटल 2 2 4 और 2 6 +6 आया। मतलब यहाँ भी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई +6 आ गई, ये सही है। मतलब H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +6 होती है, ये सही है बच्चों, ये सही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट हमेशा सही होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों,
तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन और आप लोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हरिओम सर की केमिस्ट्री पसंद आई हो, अगर मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, अगर मेरे अंदर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो एजुकेशन के फील्ड में, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग हरिओम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।